नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल केजिस वॉल, आई एम कस्तूरी। सो जैसे आप सबको पता लग गया होगा कि टाइटल से कि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। यस, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं केक, और वो भी इलेक्ट्रिक केटल में। यस, वी विल प्रिपेयर केक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक केटल। सो चलिए विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, सो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का बिस्किट केक बनाना। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, मैं ये 1 कप मिल्क ली हूँ और इनो पैकेट और एक बिस्किट। मैं इसलिए ली हूँ अगर किसके पास मिल्क अवेलेबल ना हो, क्योंकि हॉस्टल में अगर किसके पास मिल्क अवेलेबल ऐसा ना हो तो आप अमूल का ये स्प्रेड लेके उसको भी मिल्क बनाकर केक बना सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं एक बॉल ली हूँ और ये बिस्किट पैकेट, अभी मैं ये बॉल में बिस्किट। अब सबको जैसे पता है कि हम लोग के हॉस्टल में हॉस्टल बच्चों के लिए ये वीडियो कर रही हूँ, तो हम लोग के पास ग्राइंडर अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पहले ये बिस्किट को छोटा छोटा पीसेस में, अगर जैसे आप देख सकते हैं, मैं पूरे बिस्किट को हाथ में ऐसे इसमें दूध डालेंगे। और एक स्पून के हेल्प से हम लोग के बिस्किट को सोक कर देंगे और इसको 2 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए मैं 1 कप दूध ली थी, तो अभी इतना दूध मेरा बाकी है। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं आफ्टर 2 मिनट्स ये बिस्किट जो है पूरा सोक हो गया है। तो अभी आप सबको पता है कि ये केक मैं इलेक्ट्रिक केटल में बनाने जा रही हूँ, तो ये मैं प्रेस्टीज का इलेक्ट्रिक केटल ली हूँ, ये सब देख सकते हैं। और पानी इसका अंदर मैं इतना ही इंच तक पानी ली हूँ, फुल नहीं करना है हमको और बहुत कम भी नहीं लेना है। अभी आपको इसके लिए और एक मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कम शुगर लेती हूँ, तो इसलिए मैं ये शुगर ऐड नहीं की हूँ। अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है तो यू कैन ऐड शुगर इन इट। और जैसे हम लोग केक इलेक्ट्रिक केटल में बनाएंगे, तो उसके लिए सेफ रहेगा कि आप एक स्टील का ग्लास या कुछ बॉल, कुछ भी स्टील का लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और ग्लास लेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये स्टील का ग्लास ली हूँ। आप पहले ग्लास लेने से पहले आप पहले उसको मेजर कर लीजिए कि आपके ग्लास अंदर तक जा रहा है या नहीं, और हाइट अच्छे से आ रहा है या नहीं। ये सब आराम से अंदर उसको रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो और एक टिप मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हीट नहीं करेंगे, हम लोग ये ग्लास को अंदर डालने के बाद ही उसको ऑन करेंगे, क्योंकि अगर हीट करने के बाद ये डालेंगे तो स्टीम के वजह से हाथ जल भी सकता है। तो मैं इसको साइड कर रही हूँ। अभी देखिए ये बैटर मैं ली हूँ। अभी इसमें मेरे पास इनो का पैकेट है, ये फुल पैकेट इनो है, पर मैं ये इनो फुल नहीं डालूंगी, हाफ डालूंगी, हाफ से भी कम डालूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बैटर ली हूँ। इनो उसमें मतलब ये बैटर में मिक्स करने के बाद तुरंत ही हमको ग्लास के अंदर डालना है। अच्छे से हम लोग इसको एक मिक्स कर लेंगे। अभी हम ये ग्लास को अंदर और पूरा ध्यान से उसको अंदर तक देख सकते हैं कि कैसे मैं अंदर तक कितना पानी और कैसे ग्लास को प्लेस की हूँ। फिर अभी हम उसका कवर कर लेंगे, लीड दे देंगे। तो फ्रेंड्स, और एक टिप्स है, जब हम लोग इसके अंदर ये ग्लास को मैंने जैसे इसके अंदर रख ली हूँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके फेस को ना कोई भी टॉवल, कपड़ा या किस में भी उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ये केक जो है वो स्टीम में ही बेक होगा। जैसे देख सकते हैं मैं एक टॉवल के हेल्प से इसका जो ये पार्ट है, फेस पार्ट, और ऑन करके इसको हम लोग 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग एक बार उसको चेक करेंगे। सो हेलो फ्रेंड, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये केक टोटली 20 मिनट्स हो गया है, और मैं इसको ऑफ करके इसके अंदर ही छोड़ दी थी, क्योंकि ये हीट होगा तो हम लोग ये केक को अंदर से निकाल नहीं सकते। तो मैं इसको 20 मिनट्स के बाद ऑफ करके केक को ऐसे ही छोड़ दिया था अंदर। अभी हम उसको निकालेंगे और ध्यान से निकालेंगे, जैसे हाथ जल ना जाए, जैसे मैं आपको बोल।
से पहले मैं बोल चुकी हूँ कि मैं ये ऑफ करके रख ली थी, तो ये देखो ठंडा हो गया है। अभी मैं ये ग्लास को आराम से निकाल दिया, सब देख सकते हैं। तो ये ग्लास को मैं पूरा निकाल दिया हूँ और ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है नीचे वाला पोर्शन। अगर आपको जल्दी जल्दी खाना है, जैसे मेरी तरह आपको वेट भी नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक बाउल लेंगे, बाउल में नॉर्मल पानी और इसके अंदर ही ग्लास रख सकते हैं। ग्लास रखने के बाद 2 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तब आप आराम से ये केक को ये ग्लास से निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए मैं ये ग्लास के साइड में सब लोग देख सकते हैं हम लोगों का केक कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। मैं आप सबको इसको कट करके इसे 2 पार्ट में दिखा देती हूँ। ये केक को ठंडा करेंगे, कट करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं मैं उसको 2 पीसेस में कट कर ली हूँ और आप इसका सॉफ्टनेस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई दिस वीडियो। सो स्प्रेड लव, स्टे हैप्पी, बाय बाय।